बड़ा प्यारा गीत आया है, कौन सा बेटे कौन सा आया? अरे घूंघट बनाए कितने, घूंघट बनाए कितने, अरे धानी चुनर से, ए घूंघट बनाए, घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से, लेकिन मैं बच ना पाई पहली नजर से, लेकिन मैं बच ना पाई पहली नजर से, हो रब्बा पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, अरे पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, जाने छुड़ा ली मेरी दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, बाली उम्र ने हाल वो किया, बाली उम्र ने हाल वो किया। बड़ा प्यारा गीत दिया है भाई साहब, बड़ा अच्छा। और देखिए गाना बड़ा मजबूत है, बिल्कुल ये तो है, और क्यों ना मजबूत हो, पदम भैया का लिखा हुआ है, बिल्कुल। मैं हुई बदनाम तू मशहूर हो गया, ए राम जो मैंने किया है मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया, और तू तो मशहूर हो गया लेकिन मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, और आज भी कैकई कैकई को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि आज कोई भी किसी घर में जो बेटी पैदा होती है तो कोई अपनी बिटिया का नाम कैकई नहीं रखता। लेकिन जवाब सुनिएगा भाई साहब, लालन भैया मिश्रा जी सुनो जवाब, जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ क्या बेटा, और अगर जवाब आ जाए तो ये मेरी बुद्धिमानी नहीं बल्कि आप लोगों का आशीर्वाद है, और जवाब हो जाए तब राखी आजाद, ऐसे थोड़ी तब राखी आजाद, चूंकि आपने कैकई की तरफ से भी गा दिया और राम की तरफ से भी गा दिया, बिल्कुल। अब जवाब सुनिए मेरा, रात का समय है, एकांत है, भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं, अचानक दशरथ जी की आत्मा भगवान श्री राम के पास आई, और जब राम जी ने देखा कि पिताजी, तो राम जी उठकर बैठ गए, बोले पिताजी आप इतने दुखी इतने उदास क्यों लग रहे हैं, बात क्या है? तो दशरथ जी बोले राम तुमको 14 वर्षों का वनवास मिला, तुमको दुख मिला, तुमको कष्ट भोगने पड़े, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ जोड़ने लगे तो राम ने कहा पिताजी आप ऐसा ना करिए, बिल्कुल। दशरथ जी बोले राम तुमको जो कष्ट मिले हैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए दशरथ जी ने कहा क्या, क्या बेटा क्या बात, ध्यान से सुनना भैया। दशरथ जी ने कहा तो देकर वचन यूं फंसा, अरे देकर वचन यूं फंसा
पाया नानदान में तो दे कर वचन यू फसा पाया नानदान में राम अरे हाना नहीं कर पाया दूजे वरदान में। पहला वरदान मांगा कि मेरे भरत को राज गद्दी, मैंने कहा ठीक दिया, लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा तो मैं ना तो हाँ कर पाया और ना कर पाया। पंक्ति सुनिएगा भाई साहब, देकर वचन यू फंसा पाया नानदान में और हाना नहीं कर पाया दूजे वरदान में। और हे राम आज वो हो गया, वो हो गया, नहीं हुआ था जो हुआ आज तक, नहीं हुआ था जो हुआ रघु के खानदान में। क्या नहीं हुआ था जो हुआ रघु के खानदान में, अरे बर्बाद हो गया सब दूजे वरदान में। लेकिन लाइन सुनना भैया, पंक्ति कह रही है दशरथ जी बोले, हे राम मेरी कैकेयी ने जब क्या, अरे मेरी कैकेयी ने जब हर सीमा तोड़ दी, मेरी कैकेयी ने जब हर सीमा तोड़ दी तो मैंने जगत छोड़ा तुमने अवध छोड़ दी। हर सीमा तोड़ दी तो मैंने ये जगत छोड़ दिया, तुमने अयोध्या छोड़ दी। लाइन सुनिएगा भैया, अरे मेरी कैकेयी ने जब हर सीमा तोड़ दी, अरे मैंने जगत छोड़ा तुमने अवध छोड़ दी। दूसरी बात सुना भाई साहब, क्या है बेटा, आपकी एक लाइन बोल रही थी, अयोध्या की महारानी, आपकी लाइन कह रही है अयोध्या की महारानी बांदी में बदल गई। बांदी माने होता है दासी। आप एक बार खड़े होकर ये सिद्ध कर देना कि कैकेयी दासी हो गई थी। आप खड़े होकर सिद्ध करिएगा, आपकी लाइन बोल रही है कि अयोध्या की महारानी बांदी में बदल गई यानी दासी बन गई। एक बार खड़े होकर सिद्ध करिएगा इसको, पकड़े गए। जिस कैकेयी को दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आप कह रहे हैं वो बांदी में बदल गई। अरे अब क्योंकि नीचे लाना है कि कांच की चूड़ी चांदी में बदल गई, तो तुकबंदी तो मिलानी है, खाली तुकबंदी से काम नहीं होता है। और क्या, इसको सिद्ध करना कि कहां लिखा है कि रानी कैकेयी जो है दासी बनी है। खाली पीली सीना ना ठोको। लेकिन अब आपने बदलने की बात कही है तो मेरी ओर से भी सुने प्रयास। दशरथ जी बोले, राम बेटा सोचो उस समय कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छा समय था कि ये घोषणा हो गई कि प्रातः काल राम का राज तिलक होना है। लेकिन जब कैकेयी ने हर सीमा तोड़ दी तो एक पल में सब कुछ बदल गया। क्या बदला? अरे खुशी गम में बदली क्या क्या, खुशी गम में बदली क्या क्या, भवन में बदल गया। राजभवन में क्या क्या बदला? खुशी गम में बदली क्या क्या, भवन में बदल गया। और सुनो, राजगद्दी वाला दिन बन गमन में बदल गया।
शादी होनी थी लेकिन वनवास जाना पड़ रहा है। और क्या बदला? क्या राजसी वसन तपसी के वसन में बदल गए। राजकुमार राजकुमारों वाले कपड़े पहने थे लेकिन जब अवसर मिल गया कि जाओ वनवास जाना है तो तपस्वियों का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए राजसी वसन तपसी के वसन में बदल गए। और अरे शुभ योग सारे पूरी लगन में बदल गए। बदल के समय ने देखो, अरे बदल के समय ने सारी दिशा मोड़ दी। बदल के समय ने सारी दिशा मोड़ दी। तो मैंने जगत छोड़ा, तुमने अवध छोड़ दी। राम को जब ये सब बातें बताई दशरथ जी ने, एक बार हमारे नेता जी के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। और ये पुनः एक बार फिर से नोटों का गुलदस्ता हमारे सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय श्री राम सिंह नेता जी की ओर से ये प्रदत्त हो रहा है। बारंबार आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंतिम बात सुनिएगा भाई साहब। सुनिए, राम जी बोले, पिताजी आप दुखी ना होइए। आप कह रहे हैं कि राजगद्दी होने वाली थी, वनवास जाना पड़ा। आप ये सोच सोच कर दुखी ना होइए। क्यों? क्यों? राम कह रहे हैं क्या, पिता आप जैसा पाया, अरे पिता आप जैसा पाया परम धीर वीर में। लाइन सुनिए, पिता आप जैसा पाया परम धीर वीर में। और मुझे वनवास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राज नहीं लिखा था शायद तकदीर में। धन्यवाद। शायद उस समय मेरी तकदीर में राज भोगना नहीं लिखा था, इसलिए ये सब हो गया। तो राम बोले, देश का सहारा नहीं आपको, देश का सहारा नहीं, अरे दुख और पीर में। तो राखी अजब गुण पाए सुनो रघुवीर में। और अगर ऐसा ना होता तो पिताजी ये कहानी कैसे बन पाती? कौन सी कहानी? कहने लगे राम जी, तो राखी अजब गुण पाए सुनो रघुवीर में। तो बन की कहानी तुलसी, अरे बन की कहानी तुलसी आगे जोड़ दी। वन की कहानी तुलसी आगे जोड़ दी। अरे मैंने अवध छोड़ा, तुमने मैंने जगत छोड़ा, तुमने अवध छोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए सभी लोग। बोलिए राम राजा सरकार की जय।